यार दोपहर के टाइम अभी मैं ऊपर आया पानी रखने के लिए, कबूतरों को ताज़ा पानी दिया और मेरी नज़र दोस्तों उस दीवार पर पड़ी और मैंने देखा यार एक कबूतर आया बैठा है हमारे सेटअप पर। ये सफ़ेद रंग का है बिल्कुल दोस्तों, और दोपहर का टाइम है, शायद प्यास और भूख की वजह से ये यहाँ पर आया, हमारे कबूतरों को देखा और यहाँ पर बैठ गया। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सब कबूतरों को छोड़ देता हूँ, जाओ ऐसे। उड़ गया, लगता है उड़ गया यार, कबूतर चला गया यार। तो यार मैं दोबारा ऊपर आ चुका हूँ, कबूतर तो उस टाइम हमारे हाथ नहीं लगा था और सिप्तैन भी अब मेरे अगर पास मैं है ना, मैं हम पकड़ लेते दोनों। मुझे अभी यहाँ किसने बताया कि यार कबूतर हमारे हाथ से छूट चुका है। मैंने कहा यार मैं होता हूँ तो काम हो जाते हैं तुम्हारे, नहीं तो तुम्हारे काम अधूरे। अकेले में यार फिर कैसे पकड़ सकता है बंदा, एक तो मैंने पकड़ा था अकेले में रंग वाला कबूतर, उसके बाद ये दूसरा था और ये बहुत तेज था, उड़ गया यार, हाथ नहीं लगा। तो सिप्तैन हाँ जी, ये देखो ये अपना जो है ना मुर्गी आज बहुत ही दिनों बाद बाहर उठी है यहाँ से अंडों से, नहीं तो हिलती नहीं थी यार। कहाँ पर है मुर्गी, वो खड़ी है यार। ये देखे दोस्तों हमारी मुर्गी ये ठहरी है जो अंडों पर बैठी हुई है। और सिप्तैन आज कैंडलिंग कर लेते हैं यार इसकी, चल जाएगा। हाँ हाँ, चार पांच दिन हो गए। चलो ऐसे कर लेते हैं। चलो यार ये आठ अंडे हैं हमारी मुर्गी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो इनको अब हम चेक करते हैं कि क्या बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है। अब अल्लाह मालिक यार, देखते हैं क्या सीन है अंडों के अंदर। और ये पहला अंडा हम चेक कर रहे हैं, और इसमें बच्चा बन रहा है दोस्तों। ये देखिए आपको ब्लड लाइंस नजर आ रही होंगी। तो पहला अंडा तो बिल्कुल ठीक है, इसको मैं पीछे रख देता हूँ इस जगह पर, बाकी अब मैं जल्दी से अंडे सारे चेक कर देता हूँ। ये अंडा भी ठीक है माशाल्लाह, इसमें भी ब्लड लाइन्स हैं दोस्तों। दूसरा अंडा ठीक, और ये अंडा ये भी ठीक है माशाल्लाह, तीन अंडे ठीक हो चुके हैं। इसका देखता हूँ, हाँ ये भी ठीक है, चार अंडे ठीक। और से दिखाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, अब इसकी बारी, ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है सिप्तैन, पांच अंडे ठीक, और बाकी तीन रहते हैं, दुआ कीजिएगा यार सारे ठीक हो जाए। ये भी ठीक है यार, भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आपका फीडबैक करके। बाकी में बाकी अब दो रहते हैं, इन दोनों को देखते हैं अब। ये मतलब क्योंकि वही, और ये भी ठीक सिप्तैन, देखो ये भी ब्लड लाइन लगी हुई है। अरे वाह, बाकी एक रहता है, एक रहता है, एक रहता है। चलो चेक कर, खराब है ना। और से देखो क्या हो रही है। नहीं ये ठीक नहीं, नहीं खराब है मतलब, अभी फिर भी खराब है। क्या हुआ, चलो इसको बंद करो और रख दो आप। यार हमारी मुर्गी तो बहुत बेहतरीन इंक्यूबेटिंग कर रही है अपने एग्स की, बहुत अच्छी आ रही है, मजा निकली। देखिए दोस्तों ये 2 से 3 दिन के बाद बाहर निकल रही है, ये अपने अंडों के ऊपर ही बैठी हुई थी। अब इसको भूख लगी है, प्यास लगी थी, खुद अपने मर्जी से आई है। मैं पानी वगैरह वैसे रख देता हूँ, लेकिन ये आज उठी है अपनी मर्जी से बाहर। बात है यार, मैं खुद नोट कर रहा था, नींद उठ ही नहीं रही थी ये। बस यार इसलिए तो रिजल्ट देखा तुमने, 7 अंडे तो परफेक्ट, और इसका फर्स्ट टाइम है, बच्ची थी बेचारी। ये बस यार दुआ कीजिएगा कि चूजे अच्छे से निकले। ये देखो इन बटेरों में वैसे तो जान नहीं है, ऐसे लगते हैं सुस्त से लगते हैं, लेकिन उन्होंने गमला गिरा दिया नीचे। बटेरा तो नहीं आ गया, हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं यार ये चीज, देखना नहीं आया। तो अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने गंदे चिक्स को मास्टर केज से आजाद करने वाले हैं। आजादी की वजह दोस्तों ये है क्योंकि पहले जो हमारी मदर चिकन थी ना, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। तो अब वो मदर चिकन अपने चूजों को छोड़ चुकी है, तो अब इनकी बारी है बाहर घूमने की। गंजे चिक्स फिर जल्दी से बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर उनकी खास ग्रोथ भी नहीं दोस्तों हो रही। तो कहाँ है ये गंजे चिक्स, चलो यार सिद्धर पकड़ते हैं। तो यार ये तो बताओ ये रहेंगे कहाँ पे रात को? रात को यार जो इनके हैं दोस्त छोटे मोटे दोस्त हैं, तुम्हें पता है वो लड़ लें इनके साथ। एक काम करते हैं, उनको ऊपर लेके आते हैं और चेक करते हैं, ये ना हो कि इनको मारने लग जाए फिर हमें पता ही ना चले। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये ना हो कि वहां पे लड़ रहे हो वो। चलो जी, अभी तक सिचुएशन तो मुझे लग रही है कि ठीक है। ये देखें, ये हमारे सारे पुराने वाले चिक्स और ये हमारे गंजे चिक्स, ये चिक्स इनके पास नहीं जा रहे,
नहीं तो अगर लड़ना होता ना इन्होंने, ये लड़ रहे होते। लेकिन ये अंदर जाना चाहते हैं डायमंड और स्नो के पास, क्योंकि इनकी आदत हुई हुई है ना इनके साथ रहने की। तो ये कोशिश करें किसी तरीके हम अंदर जाएं। इनको दाना डाल देते हैं ये इस तरह से, ये बस काफ़ी है। तो आप यार कल तक तो हिल रहा था इसमें बच्चा, अभी तक निकला नहीं है? नहीं यार अभी तक निकला नहीं है, नहीं है अभी कुछ भी नहीं है यार, कुछ टाइम होगा इसका, एक दो दिन और मजे। चले रख लें यार हमारी बाजी कबूतरी और ये कबूतर अब अंडों पर नहीं बैठे हुए। ये कल तो इनके अंडे खराब हो गए थे, हमने चेक किया था बच्चा मरा हुआ था एक। तो आज दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ कि आज हम इनको बाजी कबूतरों को उड़ाते हैं। और सुना तो यही हुआ यार ये आसमानों में उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो आज ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी ना इनके बच्चे हैं ना अंडे हैं, इस वजह से दोस्तों हम कोशिश करें। अच्छा मौका है, चलो। कबूतर आया है, कबूतर वो देखो वो बैठा हुआ है ना यार, कबूतर सीरियसली वो टैंकी के साथ। अपना तो नहीं है? नहीं हमारा नहीं है यार, किसी और के। देख देखो वो देखें दोस्तों, एक कबूतर आया हुआ है सफेद। ये सुबह वाला तो नहीं, नहीं है? नहीं वो और था, ये और है वो देखो। यार हमारे पास इतने कबूतर क्यों आ रहे हैं आज? ये तो वाकई हमारा नहीं है। नहीं है ना, वो उड़ गया गया। कहाँ पे ये? अपने उड़ा दो ना, उड़ा दो। ये व्हाइट वाला दोस्तों कबूतर आया हुआ है नया, ये गए हमारे कबूतर। वेरी गुड वेरी गुड। टाइम दोस्तों हमारे पास ही कबूतर उड़ रहे हैं, अब पता नहीं घर वापस आते भी हैं या नहीं आते, देखते हैं चेक करते हैं। ये ना हो कि हम आ गई और कबूतर ही तो आ गई, एक सेकंड में आ गई और हमारे कबूतर भी आ गया। मैंने कहा ये ना हो कि हम अंगूर के चक्कर में, उड़ने वाले कबूतर फौरन बैठ गए यार। इनका आसमान यहाँ तक था बस, और हमारा शिराज इसके पीछे लगा हुआ है। दोबारा उड़ाने की कोशिश की हमने, शायद ये आसमानों में जाए, क्योंकि आदत नहीं है ना इनकी उड़ने की। उड़ गए, गए अब तो, गए अब तो दूर गए, उधर बैठ गए काम देखो। बाजी कबूतरों से अच्छा तो हमारा ये कबूतर उड़ रहा है शिराजी, वो तो बिल्कुल अजीब से निकम्मे निकले, जरा भी नहीं उड़े। सही बात है। तो दोस्तों हमारे बाजी कबूतर किसी और की छत पर बैठ गए हैं दोनों, तो मैं उधर जा रहा हूँ, देखते हैं यार वो मेरे हाथ लगते हैं या खुद उड़कर आते हैं। चलो यार सिकंदर, नहीं ये कुछ होना चाहिए। चलो तो यार यहाँ से हमारे कबूतर अभी उड़े और अभी चक्कर काटने लग गए, तो हम तो चाबी मांग रहे थे इस घर की, लेकिन अभी हमें लगा कि उड़ गए हैं तो हम उधर जाते हैं, उधर जा रहे हैं। आ जाओ आप, ये देखो ये या। इसको मैं पकड़ूंगा। पकड़ोगे? इतना अच्छे हो। ओ वाओ क्या पकड़ा है भाई, ऑसम ऑसम। पहली दफा में बहुत अच्छा था, अच्छा था वैसे। एक तो पकड़ लिया दोस्तों मेरे, ये नीचे ये गया। अच्छा ठीक है, अब इसको ये देख पाएगा। ये नीचे बैठ गई, माशाल्लाह दोस्तों शुक्र है आ गए। उड़े तो खास नहीं, लेकिन इतना मुझे पता चल चुका है कि ये हमारे घर के पक्के हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं उड़े लेकिन घर के हमारे पक्के हो चुके हैं। तो चलें नीचे चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों आ गए दोनों वापस अपने घर। तो खैर ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मुर्गी के लिए दुआ कीजिएगा इसके सारे के सारे बच्चे हेल्दी निकल आए, कोई मसला ना हो। हमारी मुर्गियाँ बैठ भी चुकी है दोस्तों अंडों पर वापस, पहले तो बाहर थी और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह कल। वीडियो पसंद लाइक आदमी कर दीजिएगा, मंडल शेयर में को सब्सक्राइब भी आदमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।